हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हमें डोमेन का सेकंड क्वेश्चन शुरू करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरुआत करते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जो मैं पार्ट उतार रहा हूँ उनके डोमेन हमें फाइंड करने होंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो एफ एक्स इक्वल 1/x का डोमेन क्या होगा? तो इसमें भी हमें डोमेन की डेफिनेशन हम वापस एक बार रिमाइंड करते हैं। डोमेन क्या था? ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, कि x की वो वैल्यू जिनके लिए एफ एक्स डिफाइंड हो, डैट वैल्यूज ऑफ x इज नोन एज डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डैट वैल्यू ऑफ x इज नोन एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अगर हम इस पार्ट में ऑब्जर्व करें तो आप x को जो मर्जी उतार दो एफ एक्स डिफाइंड होगा, बट एक वैल्यू ऐसी है x की जिस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, डैट इज x इक्वल 0। We observe that for x equal 0, fx is nd, not defined as. So that is why जो डोमेन होगा वो मैंने डोमेन की जगह पे डी लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म डोमेन होगा ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स इक्वल 0, 0 को छोड़ के सारी वैल्यूज। तो ये इस तरह से उतारा जाता है। तो ये इस पार्ट का आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब हमने रियल नंबर में से एक्स की वो वैल्यू हटा दी जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है। इसी टाइप के हम एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। इसे इरेज कर रहा हूँ मैं सेकंड पार्ट में। ये भी इसी टाइप का है। इसमें है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो इसमें भी आप x को जो मर्जी उतार दो एफ एक्स डिफाइंड रहेगा, बट एक वैल्यू ऐसी है जिस पे ये नॉट डिफाइंड है। तो वो वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए नीचे वाले हिस्से को आप इक्वल टू 0 उतार दो, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो उससे x आ गया 2। तो इससे हमें ये पता चल रहा है एट x इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। अगर आप x को 2 उतारो तो अब यहाँ पे अपॉन में 0 आ जाएगा। तो अपॉन में 0 आने से आंसर इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो हम उतारेंगे फॉर x इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, एफ एक्स इज एनडी, एंड ई मीन्स नॉट डिफाइंड। सो जो डोमेन होगी डैट विल बी इक्वल टू ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू को छोड़ के सारी वैल्यूज। तो ये हमारा डोमेन हो गया, ये आंसर है हमारा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं तीसरे पार्ट की ओर पढ़ता हूँ। इसे इरेज कर रहा हूँ मैं। थर्ड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4। ये वैल्यू है। तो इसमें भी एक ना एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा।
तो इसे करने का वे क्या है, जैसा पिछले क्वेश्चन में हुआ था, जो फिगर डिनोमिनेटर में है, अपॉन में है, उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करके एक्स फाइंड कर लो, तो उन्हीं वैल्यूज पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। सो मैं कर रहा हूँ पुट एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। अब इससे एक्स निकाल लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी स्प्लिटिंग से फाइनली ये आ जाएगा एक्स माइनस चार इंटू में एक्स माइनस एक इक्वल टू ज़ीरो। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना जानते हैं, उससे इतना आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, x इक्वल फोर एंड x इक्वल वन। तो इट मीन्स एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज वन एंड x इज फोर। ये मैं अगले पेज पर उतार देता हूँ, इरेज कर रहा हूँ इसे मैं। सो एफ एक्स इज एनडी मतलब नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल वन कॉमा फोर। एक्स इक्वल वन और एक्स इक्वल फोर पे एफ एक्स नॉट डिफाइंड है। सो जो डोमेन है डैट विल बी इक्वल टू ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल वन एंड एक्स इक्वल फोर। तो ये इस तरह से उतर जाएगा, आर माइनस का साइन, फिर एक सेट बनेगा, सेट के अंदर दो एलिमेंट आएंगे वन और फोर। तो ये इसका डोमेन है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ डोमेन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये इतना ही था।